हैं उन्हें नहीं पूजते, परंतु ऐसे भाग्य लिखा के आए थे कि आज विगत 9 साल से पुण्यतिथि मना रहे हैं। ऐसे सोलंकी परिवार को तो सत सत नमन, और इनके देखा देखी सभी लोग सीखे तो बहुत अच्छा है। जो चले गए हैं उन्हें तो मना ही मना है, पर जो जीवित हैं उन्हें भी। तो वैसे ही यह हरि नाम कीर्तन आज सोलंकी परिवार ने रखा है, तो इनके सानिध्य में प्रभु राम को मनाते हुए एक बार सभी जोर से जयकारा लगाइएगा। बोले स्वर्गीय आत्मा की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले नर्मदा मैया के जय हो, बोले सतगुरु सिंगा जी महाराज की जय हो, बोले काना बाबा के जय हो, बोले विट्ठल भगवान की जय हो, बोले भिलड़ देव सरकार की जय हो, बोले सतगुरु सिंगा जी महाराज की जय हो, बोल भैरु बाबा हाय गजानन दुत गणादि सेविता कपीत जंबू फल चारु वक्षण उमा सुतम सोख विनाशे कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वरी पाद पंकज किया देवी सर्वभूतेषु सारिदारूपेण संस्रिता उरि नमतस्हि नमतस्हि नमः नमः की जयंती मंगला काली भद्री काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमस्तुते कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज हरि नाम कीर्तन प्रभु के नाम से सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में क्या कहना है। सिया राम जय राम जय जय राम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक ही नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सभी तालियों के साथ
रतिराज दुलारे साथ। अरे सियाराम जय जय राम सियाराम जय जय सियाराम विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ठीक है। सभी मिटमिटी तालियों के साथ बोलिएगा क्या एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करके, क्योंकि राम का नाम लेने में कभी शर्माना नहीं, और जो बजाता है ताली उसकी खुलती है किस्मत बंद किस्मत के ताले, क्योंकि प्रभु के सामने हम खड़े तो रह नहीं सकते ऐसे, तो प्रभु के हाथ ताली बजाना है। तो क्या एक साथ सभी, अरे सियाराम जय जय राम सियाराम जय जय सियाराम जय राम जय जय राम सियाराम जय राम जय जय राम सियाराम जय जय सियाराम राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल स्वर्गीय आत्मा की जय हो। हरि ओम। कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, और ये जब गुरु मिलते हैं ना तो जब ही ऐसा आगमन होता है, ऐसे बड़े बड़े भव्य आयोजन होते हैं। विगत 9 साल से यह भजन संध्या चल रही है, पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो जब तक ऐसा कोई ऐसा महत्वपूर्ण गुरु मिला होगा कि जो आचरण आज दादाजी ने इस क्षेत्र में इतने अच्छे पुण्य कमा के गए कि आज 9 साल बाद भी पूरा पांडाल भरा है, ये प्रेम और ये दुलार बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे ही मन में आए तो बोल देता हूँ कि सब ऐसे ही एक बहुत सुंदर सी नगरी हम अभी घूम के आ रहे हैं कि मन में से वो नगरी जा ही नहीं रही। भगवान विट्ठल पंडरपुर से ऐसे परम पूज्य गुरुदेव हमें मिले कि जिन्होंने
प्रथम बार इन्हें कि मुझे मात्र 2 साल हुए हैं गुरु नानक ज्यादा दिन भी नहीं, पर इन 2 सालों में मैंने देखा कि गुरु की शक्ति क्या होती है। प्रथम बार उन्होंने हमें सुखताल ले गए तो वो भी एक महत्वपूर्ण था कि भाई भाई सुखताल गए, राजा परीक्षित को जहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ। वैसे ही इस बार उनकी असीम कृपा हुई और हमें भगवान उस विट्ठल की नगरी ले गए। शायद इस विश्व में एक ही मंदिर होगा कि जिसके चरण के पास हमारा मस्तक लगता है। बड़ी भी बहुत शानदार सी महिमा एक छोटी सी है कि एक भक्त था जो अपने माता पिता की सेवा बहुत करता था। पहले संसार में हमारा जैसा वो भी खूब घूमा, पर जब उसे पता चला कि इस संसार में भगवान से भी बड़ा कोई है तो वो अपने माता पिता है। तो वैसे ही जब उसे ये पता चला तो वो अपने माता पिता की सेवा करने में लग गया। फिर भगवान उसकी इस भक्ति से खुश हुए और उसे दर्शन देने आए, परंतु वो उस झोपड़ी में बैठा रहा और अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। पर जब भगवान आया, भगवान ने बोला कि मैं बाहर आया हूँ, वहां तुझे दर्शन देता हूँ, वरदान दूंगा। तो उस भक्त ने भगवान से कहा, एक ईंट रखी थी उसको फेंक दिया कि इस पे खड़े जाओ, जब तक तक मेरे माता पिता आराम नहीं करेंगे मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान इसे खड़े रहे वहां पर। आज वैसे ही सोलंकी परिवार जो अपने पिता के लिए इतना प्रेम दुलार स्नेह है कि लोग तो आज बार बार कह रहा हूं कि जिंदे जिंदे को भूल जाते हैं, जो जीते नहीं यानी कि जो जिंदे हैं उन्हें तो मानते नहीं, पर जो चले जाते हैं उन्हें मानते हैं। परंतु यहाँ पर दादाजी की जिंदे जिंदे भी उतने ही जो भूमिका थी परिवार में, और आज भी वही भूमिका है। तो भगवान जब बाहर आए तो भगवान ने कि ले बेटा वरदान देता हूं, तू वरदान क्या मांगता है? तो उसने वरदान मांगा कि मुझे बस नित आप ऐसे ही दर्शन दीजिए। तो भगवान आज भी वही ईंट पे विट्ठल की नगरी में खड़े। ये मेरा अनुभव है कि जब प्रथम बार हम दर्शन करने गए और उनके चरणों में जब माथा धरा तो ऐसे रुई से कोमल जैसे उनके चरण लगे, कि जैसे जीते के अपन चरण लगते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे कोमल कोमल ऐसे कोमल कोमल उनके चरण लगे। तो ऐसे परम पूज गुरुदेव हमारे क्रांतिकारी संत जो मेरे सतगुरु हैं, उन्होंने कहते थे कि गुरु मख गोविंद जो रे बताए गुरु जी थारा पहिया लागू, तो आज गुरु ने गोविंद बता दिया। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएगा, बोल सतगुरु देव की जय हो। बहुत सुंदर सा भजन सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में क्या। हाँ ओ गुरु मख गोविंदा दीजो रे बताय गुरु जी तुम रा पैया लागो रे। हो गुरु मख गोविंदा दीजो रे बताया गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। गुरु मको बताया गुरु तुम्हारा पैया लागो रे। हो गुरु मको रे बताया गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। गुरु मको महाराज गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। होया सा पैया लागो रे महाराज गुरु जी तुम्हारा पैया लागो रे। होया सा
मेरा भैया लागू रे भोया सा भैया लागू रे महाराज गुरु जी तुम्हारा भैया लागू रे हो गुरु मत को बीता दी जो रे बताया गुरु जी तुम्हारा भैया लागू रे मरा घटा आंधी यारो बाहर सूजा नाई रे गुरु मरा घटा आंधी यारो बाहर सूजा नाई रे हो गुरु मरा घटा आंधी यारो बाहर सूजा नाई रे गुरु मरा जलाब गुरु जी तुम्हारा भैया लागू रे भैया तो क्या गोदीप जलाब गुरु जी तुम्हारा भैया लागू रे भैया सो ज्ञान रोदीप का जलाब गुरु जी तुम्हारा भैया लागू रे होया सो ज्ञान गोदीप जलाय गुरु जी तुम्हारा भैया लागू रे हो गुरु मत गो बेता दी जो रे बताया गुरु जी तुम्हारा भैया लागू रे गुरु मत गो जन्म को मन बो सोई रहो रे गुरु महाराज जन्म को मन
जन्म जन्म का मनवा सोया रहता है और घट भीतर भी इतना अंधेरा रहता है कि उसको बाहर कहीं भी नहीं सूझता है। तो कहते ना आप सभी बड़े बुजुर्ग बेटे हैं कि नुगरा आना जरूर पर नुगरा कभी जाना नहीं चाहिए। संसार में गुरु नाम जरूर लेना चाहिए, नहीं तो जो पूजा पाठ करते हैं वो लगती नहीं हमारी। हो गुरु मारा जाना महाजानम को मन वो सोई रायो रे। गुरु मारा जगाई गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। हो आसी जगाई गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। भोया सी भजन गिरि जगाई गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। हो गुरु मक को बेता दी जो रे बताया गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। गुरु मक को महाराज गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। भोया सा पैया लागो रे महाराज गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। हो गुरु मक गोविंदा दी जो रे बताया गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। सदालु किया बीनती रे गुरु मरादा सदालु किया बीनती रे। ओ गुरु मरादा सदालु किया बीनती रे गुरु मरादा नया धार। गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। हो तारा से भगत नया धार गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। हो तारा से भगत नया धार गुरु जी तू मेरा पैया लागो रे। जो रे बताया गुरु जी तू मेरा भैया।
गोरे गुरु मत गो महाराज गुरु जी तुमरा पैया लागू रे होया सा पैया लागू रे महाराज गुरु जी तुमरा पैया लागू रे वो गुरु मंग को बिना दीजो रे बताया गुरु जी तुमरा पैया लागू रे गुरु मंग को पैया लागू रे गुरु जी तुमरा पैया लागू रे गुरु जी तुमरा पैया राजा रामचंद्र भगवान की जय हो भूल स्वर्गीय आत्मा की जय हो कृपा रही है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उसके तट पे हमने जन्म लिया और हम क्षेत्रवासी भी बड़े भाग्यशाली हैं कि मां नर्मदा हमारे क्षेत्र में बह रहे हैं नित उठ हम दर्शन पाते हैं नहीं कहीं तो अमोस पंचम तो चल ही जाते हैं लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और उसकी महिमा का बखान यहाँ नहीं बाहर भी जाके सुनते हैं कि माँ रेबा क्या है और जितने भी भजन उसके आशीर्वाद से लिखे हैं आप सभी को पसंद आते हैं तो एक माँ रेबा का भी बहुत सुंदर सा भजन लिखा है वो भी शायद आप सभी पसंद करेंगे तो एक बार सभी जोर से जयकारा दोनों हाथ खड़े करके बोल नर्मदा मैया की क्या बात पीछे तक आवाज पहुंच गई हिमा हाय हो धन धन हो नर्मदा माई हो महिमा लग प्यारी महिमा लागे प्यारी हो थारी सेवा करब मैया अरे संत ऋषि मुनि ज्ञानी कि माँ कि धन धन हो नर्मदा माई या महिमा लागे थारी प्यारी और थारी सेवा कर मैया संत ऋषि मुनि ज्ञानी क्योंकि हम जैसो का तो सामर्थ्य भी नहीं कि हम सेवा कर सकते हम तो जाते हैं तो महीने भर का जो घर का पूरा रहता ना भगवान का संभाल के रखते हैं कि अमोस कब आएगी उस दिन लेके जाएंगे और माई में जाके छोड़िए वो माई में छोड़ने से अच्छा है कि अपने खेत में छोड़ेंगे तो फायदा रहेगा तो वैसे क्या हो धन धन हो नर्मदा माई महिमा लग प्यारी महिमा लग प्यार महिमा लग प्यारी महिमा लग प्यारी तारी सेवा ओ तारी सेवा ओ तारी सेवा करब मैया संत ऋषि मुनि ज्ञानी तारी सेवा कर मैया संत ऋषि मुनि ज्ञानी ओ धन धन हो नर्मदा माई महिमा लग प्यारी 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 उतारी सेवा सेवा उतारी सेवा करब मैया संता ऋषि मुनि ज्ञानी उतारी सेवा कर मैया संता ऋषि मुनि
प्रभु थारा द्वार का मैया कंकर मैया कंकर बनबो तो शंकर 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 तू ऐसा कर घर में वो पूजावे महादेव बन कर ऐसा घर घर में वो पूजावे महादेव बन कर ऐसा घर घर उतारी मीठी बहनी बोला उतारी मीठी बहनी बोला वो शीश झुकावा 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 उतारी सेवा तारी सेवा करब मैया संसार से मुनि ज्ञाने तारी सेवा करब मैया संसार से मुनि ज्ञाने धन धन वो नर बता माई महिमा लग प्यारी 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 उतारी सेवा सेवा उतारी सेवा करब मैया संतान से मुनि ज्ञाने उतारी सेवा करब मैया संतान से मुनि ज्ञाने नंदी की सवारी बोले नाथ रे शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी बोले नाथ रे ओ शंकर नाथ रे वो कोरा भांग रगड़ कर बोले रे तेरे साथ के भूतों की टोली रे मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे वो कोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी रे करता नंदी की सवारी बोले नाथ रे ओ शंकर नाथ रे बोले बोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओ मेरा भोला है भंडारी रे करता नंदी की सवारी हो बोले नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है Oh,
भूरी मगर पर कीने हो मैया सवारी 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 हो तारा हाथ कमल को फूल सो पे बड़ो भारी हाथ कमल को फूल सो है बड़ो भारी तारा हाथ कमल को फूल सो पे बड़ो भारी तारा हाथ कमल को फूल सो है बड़ो भारी तारी नर नारी कर पर कम्मा नारी कर पर कम्मा वो गुण तारा गावे 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 वो तारी सेवा वो तारी सेवा वो तारी सेवा कर मैया संतारी सी मुनि ज्ञानी सेवा कर तारी सेवा कर मैया संतारी सी मुनि ज्ञानी तारी सेवा कर मैया संतारी सी मुनि ज्ञानी धन धन बोल रब दा माई महिमा लग प्यारी 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 वो तारी सेवा वो मैया सेवा वो तारी सेवा कर वो मैया संतारी सी मुनि ज्ञानी तारी सेवा कर मैया संतरी सी मुनि ज्ञानी तारी सेवा कर वो मैया संतरी सी मुनि ज्ञानी तारी सेवा कर वो मैया संतरी सी मुनि ज्ञानी जन्नत का नजारा पाया प्रभु तेरे भजनों को जोगाया तो दुनिया ने मुझे अपना रामी कहो कि श्यामी कहो दोनों एक समान मन में बसा गुरु की सूरत भव से हो जा पा अमृत वाणी पांच तत्वरी काया धारी गुमान न करियो भाई। तो कवि वक्ताओं ने बड़ी सुंदर से बात कह के गए हैं और ऐसे ही हमारे दादाजी हैं कि जिन्हें पता था कि हमारी ये पांच तत्व की काया है इसका कोई भरोसा नहीं, इसमें ही लकड़ी भी है इसमें ही लकड़ी भी है और इसमें ही मिट्टी भी है कि जलेंगे तो राख बनेंगे और घूमेंगे तो खाक बनेंगे। आखिरी में सभी को एक दिन प्रभु के पास जाना ही है। तो वैसे ही उन्हें पता था कि भैया हमारे तन के अंदर पांच तत्व का बना पिंजरा कि जा मैं बोलम हरी मैना और कुछ लेना ना देना प्रभु का नाम हमेशा लेना। वैसे ही कई वक्ताओं ने बड़ी सुंदर सी बात कही है इस पांच तत्व के काया को एक तंदूरे के रूप में ढाल के गए हैं। तो भाई आपके सामने प्रस्तुत है हो थारी
हर यू मीरा कटेरे हरी गुण अरे कती गावे लो वो थारी अरे यू मीरा कटेरे हरी गुण अरे कती गावे लो हरि यो तंदूरा रो तार एका दिन टूट जावे लो हो साधु भाई तंदूरा रो तार एक दिन टूट जावे लो हो साधु भाई तंदूरा रो तार एका दिन टूट जावे लो गावेलो हो तारी उमरा कटे हरि गुण कदे गावेलो हो तारी उमरा कटे हरि गुण कदे गावेलो तंदूरा जो तार एक दिन टूट जावे तात्विरो बन्यो तंदूरो तस्दरी बाजाता पाँच तत्विरो बन्यो तंदूरो तस्दरी बाजाता अरे पाँच तत्विरो बन्यो तंदूरो भाई तस्दरी बाजाता पाँच तत्विरो सासरी घुटनी रे बनाई जीवी बजा बने सासरी घुटनी बनाई अरे सासी सासरी घुटनी रे बनाई भाई जीवी बजा बने बड़ी सुंदर सी बात कि मानव एक बार समर जाए तो उसकी जिंदगी सवर जाती है कि पांच तत्विरा बना तंदूरा और दस दरवाजा तार जिम सांस सांसरी कुटी बनाई और जीव बजावन हार और एक जरा सी पलक कहते हैं हो खुल से है या मेरा जनी चिरा रे तुमको फूट जावे लो हो खुल से यमराज जनी चिरा तुमको फूट जावे लो हो खुल से यमराज जनी चिरा रे तुमको फूट जावे लो तदू
पूरा रोतार एक दिन टूट जा बजा पथावत फिर गुणिरा सुर साजो की अरे निर्गुणी कार तू तो बजारे पथावत सिर गुणिरा सुर साजो भीतर तारे अनहत बाजे सब दिगुरा राका जो कहते हैं कि निर्गुण का तू बजा पखावज और सिरगुण का सुर साजो जी और घट भीतर थारे अनहत बाजे शब्द गुरारा गाजो जी। यानी कवि भक्ता ने कह के गए हैं कि इस पांच तत्व का जो तुम्हारा पिंजरा है इसमें निर्गुण के भजन करना भाई और सिरगुण का सुर साजो जी। और जब तेरे घट के भीतर अनहत बाजेगी तो शब्द गुरारा गाजो जी। जैसे हम कर्म पास में रहते हैं तो भगवान से आराधना करते हैं कि भगवान हमें इस नरक से बाहर निकाल जब मैं तेरी भक्ति करूं और तेरे भजन करूं। जब तक भजन कहता है कि जब तक हमारे मन में राम नहीं समाता जब तक हमारे प्राण नहीं निकलते, जिस दिन प्राण निकलेगा तो इस मन में राम समाएगा तो ही प्राण निकलेगा। क्यों भजन कह रहा है कि निर्गुण का तू बजा पकावज और सिरगुण रासुर साजो जी और घट भीतर थारे अनहत बाजे शब्द गुरारा गाजो जी। और थारा मनवा में राम एक दिन समा जावे लो फिर तंदुरारो तार एक दिन टूट जावे। बड़े सुंदर सी बात कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काए को। आज हमारे सामने जीते जागते तो नहीं उनके जाने के बाद में भी ये पता है कि उनने सुख में राम का सुमरण किया था दुख में नहीं किया था। अगर दुख में करते तो आज हमारे जैसे रहते सब, परंतु उनने सुख में सुमरण करा तो आज उनके जाने के बाद में भी हम उन्हें उनकी यादों में याद रख रहे हैं कि हमारे बीच से भी गए नहीं। समस्त सोलंकी परिवार हर साल इसी दिन ढेला होता है और उनकी पुण्यतिथि मनाता है क्योंकि उन्होंने जीते जी निर्गुण के भजन करके गए और पूरे समाज में अपना नाम रोशन करके गए। जो आज इस प्रोग्राम में कहते हैं भी जाता हूँ हमेशा कहीं भी प्रोग्राम करने तो जवान ज्यादा दिखते हैं पर बड़े बुजुर्ग कम दिखते हैं। पर आज ऐसा पहला प्रोग्राम है कि जिसमें सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और मैं उनका लाल बैठा हूँ छोटे। बड़ी सुंदर सी बात क्या कारे तू तो बचा पकावत सिरगुणिरा सुर साजो जी।
हट भीतर तारे अनहत बाजे सपति गुराना का जो बोले स्वर्गीय आत्मा की इतने के पुराने चावल फार होते हैं आसपास, ऐसा लग रहा है कि आज जाके सही जगह जाके बैठा हूं, क्योंकि अभी तक तो जो मेरे से छोटे हैं या फिर जो मेरे बराबर के हैं उनके बीच में प्रोग्राम किया, पर ऐसा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है कि सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और इस क्षेत्र के जाने माने जिनका नाम चलता है सभी दूर, ऐसे ऐसे कलाकार भी यहाँ पर बैठे हैं और भगवान सतगुरु सिंगा जी महाराज और माँ नर्मदा और आप सभी के आशीर्वाद से आज आप मुझे सुन रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे गाते बजाता नहीं आता है, पर आज मन में ऐसी उमंग है कि कुछ तो पुण्य प्रताप कहे होंगे जब आपके सामने भजन गाने का सामर्थ्य आज है। अगर गलतियां हो तो क्षमा करें। एक बहुत सुंदर सा भजन लिखा था कि मनवा गाले रे गाले तू राम भजन गुन गाले, और राम भजन गुन गाले नहीं तो श्याम भजन गुन गाले, पर तू गाले कि जो राम को भजता है और जो श्याम को भजता है वो स्वयं स्वर्ग लोग जाता है, और जो भगवान के सामने नाचता है उसे कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नचने में नचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कि उनके चले जाने के बाद में भी उनके घर के अंदर इतनी व्यवस्था रहती है कि उन्हें याद करें। सभी झूमते हुए और नाचते हुए, क्योंकि ये आनंद की बात है, क्योंकि इतने दिन से चले गए हमारे बीच में जिसके बाद में हमारे साथ में है, तो हमें तो आनंद है क्योंकि इतना हंसी खुशी परिवार छोड़ के गए हैं। तो क्या कहना है? हाँ, ओ मनवा गाले रे गाले तू राम भजन गुण गाले, हो राम भजन गुण गाले रे मनवा श्याम भजन गुण गाले, राम भजन गुण गाले रे मनवा श्याम भजन गुण गाले रे मनवा गाले, हो मनवा गाले रे गाले तू राम भजन गुण गाले रे मनवा गाले रे गाले तू राम भजन गुण गाले श्याम
भजन सबरी ने गायर छूटे वेद की लाए। राम भजन सबरी ने राम भजन सबरी ने गाए रे छूटे वेद की लाए। राम भजन सबरी ने गाए छूटे वेद की लाए। राम जी को झूठे वेद की लाए। राम जी को झूठे वेद की लाए। हो राम भजन सबरी ने गाए रे छूटे वेद की लाए। राम भजन सबरी ने गाए भजन गुण गाए रे गाले तू राम भजन गुण गाले। हो रवि भजन गुण गाले रमन बाजा में भजन गुण गाले। भजन गुण गाले रमन बाजा रे गाले तू राम भजन गुण गाले। भजन भाई मीरा ने गाया रे विश्याम अमृत कर डाला। राम भजन भाई मीरा ने गाया विश्याम अमृत कर डाला। हर श्याम भजन भाई मीरा ने गाया रे विश्याम अमृत कर डाला। राम भजन भाई मीरा ने गाया विश्याम अमृत कर डाला। श्याम जी ने विश्याम अमृत कर डाला। श्याम जी ने विश्याम ओ श्याम भजन भाई मीरा ने गाया रे विश्याम अमृत कर डाला। श्याम भजन भाई मीरा ने गाया विश्याम अमृत कर डाला। सब पिटारा राणा भेजिया रे सब पिटारा राणा भेजिया। श्याम पिटारा राणा भेजिया रे श्याम पिटारा राणा भेजिया। नब लकी हार बनाया रे मन गाले रे गाले तू राम भजन गुण गाले रमन बाले रे गाले तू राम भजन गुण गाले। हो राम भजन गुण गाले रमन बाजा में भजन गुण गाले। राम भजन गुण गाले रमन बाजा में भजन गुण गाले। राम भजन गुण गाले रमन बाजू रे भजन गुण गाले।
श्री राम भजन गुण गा लिया, श्याम भजन गुण गा लिया, गुरु के भजन गुण गा लिया। शबरी ने राम को भजा तो झूठे बेर खराए, मीरा ने श्याम को भजा तो विषम सिद्ध कर डाला, श्याम पिटारा नवलंघार बना डाला। वैसे ही गुरु के भजन गुरु सिंघा ने गाए तो क्या, हा अरे गुरु नाम गुरु, अरे राम नाम गुरु, सिंघा ने गाया रे अखंड ज्योत जलाई, राम नाम गुरु सिंघा ने गाए अखंड ज्योत जलाई, अरे राम नाम गुरु सिंघा ने गाया रे अखंड ज्योत जलाई, राम नाम गुरु सिंघा ने गाए अखंड ज्योत जलाई। अरे कलयुग में तो पगले पूजावे रे, कलयुग में तो पगले पूजावे, कलयुग में तो पगले पूजावे रे, कलयुग में तो पगले पूजावे। अरे सास तलुर पद गावे रे, मनवा डाले रे डाले, तू राम भजन गुण गावे रे, मनवा डाले रे डाले, तू राम भजन गुण गावे रे, मनवा डाले रे तू राम भजन गुण गाले, हो मनवा गाले गाले, तू राम भजन गुण गाले, हो राम भजन गुण गाले, राम निवा राम भजन गुण गाले, गुण गाले रे मनवा गाले रे गाले, तू राम भजन गुण गाले, अरे 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 तू राम भजन गुण गाले, गाले राम भजन गुण गावे। बोलेदा जय रामचंद्र भगवान की जय। आपके उसने प्रस्तुत है, बोले संत गुरु सिंघा जी महाराज की जय हो, निमाड़ का तो संत सिंघा जी बाबा, निर्गुण वाणी बोल्या हो, अरे निर्गुण वाणी बोल्या मारा सतगुरु, अमृत वाणी बोल्या हो, जय हो। अरे निमाड़ का तो संत सिंघा जी बाबा, निर्गुण वाणी बोला वो, भाई निमाड़ का तो संत सिंघा जी बाबा, निर्गुण वाणी बोला वो, अरे निमाड़ का तो संत सिंघा जी बाबा, निर्गुण वाणी बोला वो, भाई निमाड़ का तो निर्गुण वाणी बोला मारा सतगुरु, अमृत वाणी बोला वो, भाई निर्गुण वाणी बोला बोला, अरे निर्गुण वाणी बोला मारा सतगुरु, अमृत वाणी बोला वो,
मतो जिनका पकड़ पूजावे अखंड जोत जलाई हो युग मतो जिनका पागल बुझा मेरे अखंड जोत जलाई हो अखंड जोत जलाई मारा सतगुरु अखंड जोत जलाई हो अखंड जोत जलाई मारा सतगुरु अखंड जोत जलाई हो अखंड जोत जलाई मारा सतगुरु अखंड जोत जलाई हो अरे निमाण का तो संत सिंगा जी बाबा निर्गुण मारी शरद पूनम को मेलो
लगी अति भारी हो। अरे भीड़ लगी अति भारी मारा सतगुरु दर्शन की बलहारी हो भाई। भीड़ लगी रे अति भारी मारा सतगुरु दर्शन की बलहारी हो। अरे निमाण का तो संत सिंगा जी बाबा त्रिगुण बाणी बोला वो भाई। दास धर्मेंद्र सतगुरु विनती करे वो चरणन की बलहारी गो। दास धर्मेंद्र विनती करे वो चरणन की बलहारी गो। चरणन की बलहारी मारा सतगुरु दर्शन की बलहारी गो। निमाण का तो संत सिंगा जी बाबा त्रिगुण बाणी बोला वो भाई। निमाण का तो संत सिंगा जी बाबा त्रिगुण बाणी बोला वो। अरे निमाण का तो संत सिंगा जी बाबा त्रिगुण बाणी बोला वो भाई। निमाण का तो संत सिंगा जी बाबा त्रिगुण निरगुण वाणी बोला मारा सतगुरु अमरत वाणी बोला वो। अरे निरगुण वाणी बोला मारा सतगुरु अमरत वाणी बोला वो। अरे निमाण का तो संत सिंगा जी बाबा निरगुण वाणी बोला वो। अरे निमाण का तो संत सिंगा जी बाबा निरगुण वाणी बोले। सतगुरु सिंगा जी महाराज की जय हो। बहुत बुलबुलट देव सरकार की जय हो। जो मैंने सबसे पहला भजन गाया था वही भजन आपके सामने, क्योंकि इस भजन से पहले मुझे भी नहीं भीलड़ बाबा के बारे में ज्यादा पता था। एक बार सभी दोनों दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे बोल भीलड़ देव सरकार की, बोल स्वर्गीय आत्मा की, क्योंकि उनकी जय जरूर बोलेंगे, क्योंकि आज उनकी वजह से हमें हरि नाम कीर्तन करने को मिल रहा है। सभी झूमते हुए मनोज भैया नचना पड़ेगा आपको भी, अब बहुत देर हो गई है तो क्या वो थारा द्वार नगाड़ा। अरे बाजे रे रोली गाप पाठन महादेव भीलट बिराजे रे। उठारा द्वार नगाड़ा बाजे रे रोल गाप पाठन महादेव बिलट बिराज रे। थारा द्वार नगाड़ा बाजे रे रोल गाप पाठन महादेव बिलट बिराज रे। उठारा द्वार
बार नगाड़ा बाजे दे रोलगा बपाटन महादेव मिलन विराज रे तारा बार नगाड़ा बाजे दे
जीजी झुकावे रे बाबा नबी नब जीजी झुकावे रे हरी मई बाबे बताने दे हो बाबा हरी मई बाबे बताने दे रोल गा बाबा नमा दे